सिमिलरिटी बड़ी जबरदस्त है, हम स्वरों से पेंटिंग बनाते हैं, ये लोग रंगों से बनाते हैं। हम स्वर भरते हैं तो एक गाना बन जाता है, ये कलर्स भरते हैं तो एक पेंटिंग बन जाती है। दोनों चीज़ें मन को खुशी देती हैं, दोनों चीज़ें मन को आनंद देती हैं और दोनों चीज़ें सदियों तक रहती हैं। जो पेंटर्स ने पुराना काम किया है वो आज भी है, सारी दुनिया में उसका आदर है। वही चीज़ें आज करोड़ों रुपए में खरीदी जाती हैं। जिस तरह से हम लोगों का संगीत है, जो संगीत बड़े गुलाम अली खान साहब ने गा दिया वो आज भी जीवित है, आज हम उसका आनंद लेते हैं। जो केएल सहगल साहब ने गा दिया, जो सुरैया जी ने गा दिया, नूरजहां गा गई, बेगम अख्तर गा गई, तो संगीत भी अमर है और कलाकृतियां भी अमर हैं। और दोनों चीज़ों के लिए कलाकारी की ज़रूरत है, एक में स्वरों की ज़रूरत है और एक में रंगों की ज़रूरत है। बड़ा मुश्किल है एक पेंटिंग का बताना, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ख़जाना है, कलाकारों का ख़जाना है। पेंटर्स ने, आर्टिस्ट ने जिस तरह से चीज़ें बनाई हैं, कितने सारे कलाकारों ने मिलकर इस गुलदस्ते को तैयार किया है, तो मैं बधाई देता हूँ। ये बहुत सुंदर काम हुआ है और इस तरह होता रहे, क्योंकि मैं बहुत ही कला प्रेमी हूँ, मैं एग्जीबिशंस में जाता हूँ, मैं अपने घर में भी पेंटिंग्स रखता हूँ, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लेके आता हूँ। तो आज मेरा मन भर गया है देख के, इतना खजाना यहाँ पर है। हमारे घर में नैना कनोडिया की पेंटिंग है, हमारे यहाँ हुसैन साहब की पेंटिंग है, हमारे यहाँ सुभाष औचट की पेंटिंग है, तो बड़े कलाकार जिन्होंने सुंदर सुंदर काम किया है और जो पसंद आ जाता है, मन को भा जाता है, वो हम ले जाते हैं। नहीं, उनकी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं है, एक एक पेंटिंग लाखों लाखों में बिक रही है। बस अच्छा काम करना चाहिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी लाखों में भी और करोड़ों में भी बिक रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार इसमें कोई ख़ास काम नहीं कर सकती, इतना ही कर सकती है कि उन लोगों को सम्मानित करे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी कलाकार जो हैं, जो चीज़ बनाते हैं अच्छी बनती है तो उसका जो मूल्य है वो करोड़ों में हो जाता है।
Well, this is an abstract painting. I basically is on abstract painting. This abstract painting is such that individual viewer ka decision hota hai ki painting mein kya hai. So ek bahut badi khoobi hai abstract painting. Aur mera jo bhi andar se jo bhi feelings hai, jo bhi mera dimag hai, mere colors hai, jo mujhe put karna hai, mere feelings hai, that everything I put on the abstract paintings. And this is specially for the woman power. Ek woman kitna sacrifice karti hai. Family hoti hai, bacche hote hai, responsibilities hoti hai, unke saath wo kaise upar aati hai. Basically this painting is for that. Depends. Kabhi main baithti hu to 8-9 ghante ek saath mein baith ke khatam kar deti hu. Kyunki to kabhi 15 din bhi lag jate hai, kabhi mahina bhi lag jata hai. Kyunki mujhe jab tak satisfaction andar se nahi hota hai ki nahi ye painting perfect nahi hai, tab tak main dekhti rehti hu, unko visualize karti hu. To isme koi time limit nahi rehta. गवर्नमेंट को हाँ जी मिलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट फॉर बॉम्बे. कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाते हैं लेकिन वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठते हैं. पब्लिक को भी थोड़ा उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ पॉजिटिवली रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो कभी कभी नहीं होता है जैसे सोचा होता है. तो पब्लिक को ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए. सो वेलकम.